सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। दसवीं कक्षा में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 32। ये आपके सिलेबस की स्केल ड्राइंग की लास्ट स्केल है और ये हमारी जो स्केल है ये है न्यूज़पेपर स्टैंड। इसमें लेंथ है 102 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर और हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए हमने इसकी कागज बाट हाइट में कर रखी है। इसमें जिस फुट्टे से हमने कागज बाट की है फुट्टा है 1.10 सेंटीमीटर, ये फुट्टा इसमें यूज होना है। तो ये हमारी जो स्केल है तिरछी स्केल है, एंगुलर स्केल हम इसको कह सकते हैं, इसलिए इसका हमने सबसे पहले साइड बनाना है। तो साइड बनाने के लिए हमें इसके लिए नाप चाहिए, तो चलो हम साइड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें नीचे से फट्टी है 10 सेंटीमीटर की, तो वो फट्टी हम लगा लेते हैं यहाँ से। ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, ये जो इसकी ब्रेथ है वो है 70 सेंटीमीटर और जो पाए हमारा है वो पाए हमारे है 60 सेंटीमीटर पे। तो हमने यहाँ से ये आप देख सकते हैं 70 है, तो यहाँ से हमने ये 5-5 सेंटीमीटर दोनों साइड हमने काटना है और इसके बीच में ये जो हमारा निचला है वो पाया लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे भी हमने इसमें 5-5 सेंटीमीटर छोड़ना है दोनों साइड। तो ये हमारा 5-5 घट जाएगा, तो 10 घट जाएगा, तो बीच में हमारा रह जाएगा 60 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से, इतना ही हमारा पाया है इस तरह से। अभी हम ये लाइन भी नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। इसके बाद हमने इसमें नीचे यहाँ पे इसमें कट लगे हुए हैं 15-15 सेंटीमीटर के, तो 15 सेंटीमीटर के बाद हमने इसमें निशान लगाना यहाँ पे, ये हमारा 15 सेंटीमीटर और इधर से भी हम 15 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे यहाँ से। और ये जो निशान है यहाँ पे ये है 2 सेंटीमीटर ऊंचा यहाँ से, तो हम यहाँ से ये आप देख सकते हो 2 सेंटीमीटर का इसमें कट लगा देंगे यहाँ से इस तरह से। ये बारीक इसके नाप दिए हुए इसलिए आपकी पेंसिल जो है वो बहुत शार्प होनी चाहिए, तीखा खत होना चाहिए पेंसिल का, तो ये आसानी से आपकी बन जाएगी, मुश्किल नहीं है, आसान स्केल है इस तरह से देख सकते हैं। अब आप चाहो इस लाइन को मिटा सकते हैं, नहीं तो ये हमारी एक्स वाई लाइन है इसलिए ये नहीं मिटती है, ये ऐसे ही इसमें रहती है इस तरह से। इसके बाद इसमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है और वो जो है वो बीच में है, तो हमने क्या करना है, जैसे ये हमारा है 70 है, यहाँ से हम लेंगे 35 सेंटीमीटर इस तरह से, 35 से 5 इधर और 5 इधर, जैसे ये हमारा 10 हो जाता है। यहाँ पे भी हमने ये आपका है 35 आधा कर दिया ना हमने, फिर 5 इधर छोड़ दिया और 5 इधर, ये 10 छोड़ दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो लाइन है हमने वो हमने अभी हल्की लगानी है क्योंकि इसका छत जो है तिरछा है, तो मैं थोड़ी नीचे से ही लगा लेता हूँ लाइन इस तरह से, ऊपर तक हम लगाएंगे नहीं इसको इस तरह से, थोड़ा हल्की मैंने ये लगाई है अभी क्योंकि इतनी ऊपर भी ये नहीं जानी है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें यहाँ पे नीचे जो है वो ट्रायंगल बने हुए हैं और ट्रायंगल 15x15x4 के हैं, तो यहाँ से हमने अभी तो सिर्फ हमारा ही 15 कटेगा यहाँ से, तो ये हमारा है 15 सेंटीमीटर और इधर को भी हमने ये 15 सेंटीमीटर काटना है, ऊपर को भी हमने यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर है, इधर को भी हमारा ये 15 सेंटीमीटर है और हम इसको जो है वो मिला देते हैं इस तरह से। सकते हैं
इस तरह से ये हमारा 15x15 के ट्रायंगल इसमें बने हुए है। अब यहाँ से ऊपर ये जो हमारा है, यहाँ से ऊपर इसमें फट्टी लगी हुई है 60 सेंटीमीटर की। मैं आपको बता दूं कि हमने इसकी हाइट जो है वो 160 क्यों रखी हुई है, क्योंकि इसमें जो अगर हम इसकी हाइट जो आपके बुक में आपको दे रखी है, वो बुक में हाइट दी हुई है इसकी 100 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी 100 सेंटीमीटर हमने ले रखी है, इसमें 160 सेंटीमीटर इसकी हाइट ली हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बाइफर्केट करके ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ऊपर से नीचे को छत जो है वो हमारी है 50 सेंटीमीटर की, ऊपर से नीचे को छत है। उसके बाद अगर हम नीचे से ऊपर को जोड़ते हैं तो 10 सेंटीमीटर का तो ये पाया हमारा है, जो हमने यहाँ पे ये हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से ऊपर जो है एक फट्टी लगी हुई है और वो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। उसके बाद एक 60 सेंटीमीटर दूरी के बाद एक फट्टी लगी हुई है 15 सेंटीमीटर की। तो ये 15 सेंटीमीटर यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 85, और 50 सेंटीमीटर ये हमारा है तो 50 को इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 135 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके साथ ये नहीं एडजस्ट होता है, इसलिए हमने इसकी हाइट लेनी है 160 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने निशान लगाना है 60 सेंटीमीटर पे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये हमारा है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 60 के बाद हमने लगाना है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा फट्टा लगा हुआ है, ये पाया लगा हुआ है, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, और इसमें जो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर वाली फट्टी लगी हुई है 4 सेंटीमीटर मोटी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 3 और यहाँ से भी हमने 3 घटा देना है इसमें से, ये बीच में जो हमारा है वो रह जाएगा 4 सेंटीमीटर इस तरह से। 3 और 3 6 और 4 10 इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा 3 है और यहाँ से भी हमने 3 ही कम कर देना है, तो बीच में हमारा जाएगा 4, और ये जो 4 हमारा आएगा ये हमारा आएगा बीच में डॉटेड इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डॉटेड आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारे इस तरह से डॉटेड आना है। इसके बाद हमने जो छत यहाँ से बनानी है उसकी दूरी है ऊपर से 50 सेंटीमीटर, जैसे मैंने अभी आपको जोड़ के भी बताया था और आप देख भी सकते हैं, इंडिकेट आपको हो रहा है इस तरह से। ये हमारा है 50 सेंटीमीटर है, दोनों साइड हम इसका निशान लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फट्टियाँ लगी हुई है इधर को और इधर को, तो इसकी जो निचली फट्टी है एक लाइन ऊपर से आएगी, एक उससे नीचे जो फट्टी की मोटाई है, तो मोटे की जो निचला हिस्सा है वो यहाँ 50 के साथ टच कर रहा है, ऊपर वाला नहीं कर रहा है। तो हमने क्या करना है, ये हमारा सेंटर है यहाँ पे, ये हमने नीचे भी ले रखा है यहाँ सेंटर, ऊपर भी हमने ले रखा है, तो यहाँ से नीचे हमने लेना है 2 सेंटीमीटर इस तरह से। ये जो 2 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है इसके साथ हमने ये लाइन मिला देनी यहाँ से इस तरह से। तो ये जो ऊपर हमारी फट्टी है इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी निचली फट्टी आ रही है, ऊपर वाली नहीं है, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आएगी। इसके बाद हमने यहां पे 2 सेंटीमीटर लेना है ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, और यहां पे भी हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है इस तरह से, और हमने इसको ऊपर सेंटर के साथ मिला देना है। यहाँ
आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी छत बनेगी। यहाँ से जो है वो 90 डिग्री पे रेखा लगी हुई है और वो रेखा है 4 सेंटीमीटर दूर की। तो यहाँ से हमने ये हम रखेंगे इस पे सेट स्क्वायर 90 डिग्री पे यहाँ से, और यहाँ पे हम जो एक लाइन हम भी लगा देते हैं फिलहाल इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से लाइन लगा देंगे। यहाँ पे भी हमने ऐसे करना है, 90 डिग्री लेंगे हम इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पे नाप लेते हैं 4 सेंटीमीटर। यहाँ से ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा 2 सेंटीमीटर पर इस तरह से। यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे चार सेंटीमीटर, और यहाँ हम लगाएंगे निशान 2 सेंटीमीटर पे। हम इसको मिला लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी। अब हम इसको डार्क कर सकते हैं इस तरह से। ये जो हमारी लाइन है इसको भी हम डार्क कर देते हैं यहाँ से। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम इस लाइन को मिटा सकते हैं यहाँ से। अब इसमें यहाँ पे एक फट्टी लगी हुई है, वो फट्टी है हमारी 36 सेंटीमीटर के बाद, ठीक है जी। तो हमने यहाँ से लेना है 36 सेंटीमीटर ऊपर से, लास्ट से हमने लेना है यहाँ से, ये हमारा है 35 और 1 36 सेंटीमीटर, और 36 के बाद हमारा है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से 36 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर, हमें 36 सेंटीमीटर मिला लेते हैं। इस तरह से हमारी लाइन आएगी। इसमें भी यहाँ पे ट्रायंगल बने हुए हैं और वो है 9 बाय 9 गुना 4। तो यहाँ से कहने का मतलब ये कि 9 सेंटीमीटर वो ये हमारा 10 है, तो एक पीछे छोड़ के 9 इधर है, और यहाँ से 9 इधर है, इधर को भी 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से 9, और ये भी है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इसको तिरछा जो है मिला देना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा जो है वो बनेगा। ये जो हमारी फट्टी नीचे भी इसमें 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये हम यहाँ पे इसको डॉटेड लगा देंगे 2 सेंटीमीटर इसके अंदर, पाए के अंदर होगी। तो यहां से
ये लाइन में थोड़ी अब डार्क लगा लेता हूँ यहाँ से। इस तरह से हम इसको फालतू लाइनें हमारी ये हमने मिटा दिए। इस तरह से अब आपकी साइड भी बनकर तैयार होगी। अब ये जो हमारी लाइन है ये सब मिट जाएगी। अब हमने बनानी है इसकी एलिवेशन। चलो एलिवेशन बनाने शुरू करते हैं। एलिवेशन में सबसे पहले हमने लेना है ऊपर से 50 सेंटीमीटर यहां से, ये हमारा 50 सेंटीमीटर। अगर आप इसी तरह से स्केल को बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं या आपके अध्यापक आपको बता रहे हैं तो ये स्केल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से यहां से ये लाइन हम डार्क हमारी ये एक्चुअल में पूरी आनी है कि मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि इसमें छत इसकी 102 सेंटीमीटर है और बेस जो इसका है वो सिर्फ 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, अब एक एक सेंटीमीटर यहाँ से हमने छोड़ के बाद हमने इसमें पाए लगाने हैं 10 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से एक सेंटीमीटर और यहाँ से 10, मतलब यहाँ से 11 ले रहा हूँ सीधा ही। यहाँ से एक सेंटीमीटर और फिर हमारा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊपर भी हम ऐसे निशान लगा देंगे। यहाँ से ये हमारा है 1 सेंटीमीटर, फिर हमारा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से भी लाइन यहाँ से नीचे हमारी डार्क है और ऊपर हमारी ये डॉटेड है। इससे आप देख सकते हैं अभी हमने दूसरी लाइन नहीं लगानी है और हमने क्या करना है कि पीछे यहाँ पे यहाँ से हमने समानांतर रेखा लेनी है या मैं इसके लिए सेट स्क्वायर यूज करना चाहूँगा। तो यहाँ से ये सेट स्क्वायर हमने इधर लगा दिया है इस तरह से इस लाइन के साथ, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमने लेना है प्रोजेक्शन, ये जो कट हमारा है ऊपर से अगर हम नीचे को लेते हैं तो आराम से हमने या फुट्टे के साथ या सेट स्क्वायर के साथ से इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा जो कट लगा हुआ है ये हमने यहाँ पे इस 2 सेंटीमीटर के अंदर डॉटेड लेना है इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने ये दूसरी जो हमारी लाइन हमने लगा रखी है 10 सेंटीमीटर की, ये हमने यहाँ पे लगानी है इस तरह से। यहाँ से नीचे हमारी डार्क है, यहाँ पे हमारी ये डॉटेड है। कोशिश हम इसलिए ये कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी लाइन मिटानी ना पड़े, और मिटाने से क्या होता है कि कागज काला हो जाता है हमारा। तो कोशिश करते हैं कि कागज को गंदा ना हम करें। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे पाए बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लीजिए, ऊपर से ले लीजिए चाहे, ये जैसे हमने लिया था यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें ये मैं यहाँ लगा लेता हूँ, यहाँ पे इसमें है कट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे कट लगे हुए ये कट हमारे आने डॉटेड यहाँ पे इसमें, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी जो लाइन लगी हुई थी ऊपर से 36 सेंटीमीटर के बाद, ये आप देख सकते हैं इसके भी प्रोजेक्शन हमारे यहाँ पे आने हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड। इसके लिए मुश्किल नहीं है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान ये हमारी स्केल है। देखिए अभी तक आपने जितना भी काम किया आपको मुश्किल नहीं लग रही होगी,
इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ये छत बने हुए हैं, तो एक तो ये हमारी है फट्टी लगी हुई, ये हमारी है 50 सेंटीमीटर की, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी ये जो कट हमारे तिरछे लगे हुए थे ये बी सी के साथ है। इसके बाद हमने यहाँ पे लाइन लगानी है, ये लाइन, ये जो आपका ये मुंह इसका बन रहा है यहाँ पे, ये बाहर आप देखिए, ये हमारी लाइन आएगी डार्क यहाँ से लास्ट तक, पीछे तक आएगी, यहाँ तक पूरी आएगी। उसके बाद सेकंड जो इसका फेस है, ये आपका फेस है, ये दूसरा जो इसका फेस बन रहा है यहाँ पे, ये लाइन भी हमारी यहाँ पे डार्क आनी है पीछे तक, इस तरह से ये हमारी तीन लाइनें इसमें डार्क आएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे से हम यहाँ ऊपर वाला हमारा काम, सिर्फ ये जो हमारा है ये 9x4 के, तो ये 4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आना है बीच में, ये मैं इसके साथ यहाँ बनाऊँगा। इससे पहले मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ पहले, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, और मैं इसको यहाँ पे इसके साथ मिला लेता हूँ, इस 10 सेंटीमीटर के साथ यहाँ से, ये हमारी इसके बीच में पूरी आनी है इस तरह से, ये हमारा जो है वो मिट जाएगा, ये वाली जो रेखा हमारी है। इसके बाद ये जो हमारा 10 सेंटीमीटर की लाइन लगी हुई है, इसमें नीचे फटी है 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, और बीच में जो ये 5 सेंटीमीटर हमारा आएगा डॉटेड अंदर यहाँ पे इस तरह से 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से इस तरह से 2 सेंटीमीटर हमारा डॉटेड आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें यहाँ पे ये जो हमारी फट्टी लगी हुई ना 60 सेंटीमीटर के बाद 15 सेंटीमीटर की, वो हमने यहाँ पे नापना है, इसमें सीधा ही नाप लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा है 50, 60 सेंटीमीटर है, ये हमारा 60 के बाद 15 सेंटीमीटर, और हम इसको सीधा यहाँ मिला लेते हैं, ये भी हमारा उतना ही है। तो यहाँ से हमने अंदर ये हमारी रेखा डार्क आएगी, और इसमें हमने ये है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ये हमने डॉटेड लगाना है, इसके बाद ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, ये हमारा डार्क आएगा, और अंदर हमारा ये डॉटेड आना है 2 सेंटीमीटर, ये हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये हमारा डॉटेड आएगा। इस तरह अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल जो बना हुआ था ये वाला, ये हमारा 15x15x4 का था, तो यहाँ पे हाइट तो इसकी आनी 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये हमारा है 15 सेंटीमीटर, इसके अंदर यहाँ पे लगा लेता हूँ 15 सेंटीमीटर, इसके अंदर जैसे हमने यहाँ ये किया था ना 3 और 3 6 और 4 10, तो हमने इसी तरह से यहाँ पे भी छोड़ना है
यहाँ छोड़ेंगे तीन और यहां से भी हम छोड़ेंगे तीन, ही सात पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे, इस तरह से हमारा ये आएगा। तो यहाँ पे भी तीन और तीन यहाँ छोड़ देंगे, इस तरह से सात आ जाएगा। तीन और चार, यहाँ से तीन और यहाँ से तीन, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको हम डार्क मिला लेते हैं, इस सामने से फटी है तो ये हमारी डार्क फटी आएगी। यहाँ देख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे डॉटेड आना है हमारा, तो यहाँ ऊपर मैं इसमें नाप लेता हूँ, यहाँ पे तीन तीन और चार सात, यहाँ पे भी तीन और चार सात हम नाप लेते हैं और इसको हम इसके साथ मिला लेते हैं ऊपर, यहाँ से इस तरह से ये हमारे जो डॉटेड है यहाँ तक आएंगे इस तरह से, यहाँ पे भी इस तरह से, और ये हमारे डॉटेड आएंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इतना सा इसमें कार्य हमारा है, और इस तरह से हमारी एलिवेशन भी बन के तैयार होगी। तो बिल्कुल आसान है, मैंने पहले ही आपको कहा था कि आसान ही, मुश्किल स्केल नहीं है, आसान स्केल है। इस तरह से आपने इसको बनाना है, तो हमने बनाना है इसका प्लान। प्लान बनाने के लिए हम बाकी स्केलों में एक साथ सारे प्रोजेक्शन लेते हैं, इसमें हम एक साथ प्रोजेक्शन नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके हम हल्के हल्के सभी प्रोजेक्शन जो है वो साइड के लेंगे और फिर एलिवेशन के भी लेंगे और साथ साथ इसको बनाएंगे, क्योंकि उलझे ना। इस स्केल में थोड़ा सा समस्या ये रहती है कि इसका प्लान थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो खैर कुछ भी नहीं होता है, अभी तक आपने इसका साइड और एलिवेशन बनाई है तो ये मुश्किल नहीं था, फिर भी एंगुलर स्केल है तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि सावधानी से बनाएं, हल्के हल्के से बनाएंगे। ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा अंदर और बाहर को जानी है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा सेंटर है यहां से इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सेंटर है, हमने सेंटर का पोजीशन ले लिया है। अब हमने यहाँ पे इसका मैं हाफ कर लेता हूँ, ये हमारा है 35। बाकी स्केलों में हम डायरेक्ट प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नाप के ले लेंगे ताकि आपको मुश्किल ना लगेगा। इस तरह से यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आ गया सेंटर का पोजीशन, और ये हमने सेंटर की पूरी लाइन डार्क इस तरह से। अब हमने क्या क्या करना है, यहाँ से हमने प्रोजेक्शन लेने हैं, जो डार्क हमारा प्रोजेक्शन वो हम पहले लेंगे, ये जो हमारी लाइन है ये आ गई है, इसके बाद हमारा प्रोजेक्शन आएगा ये जो हमारी लाइन है इसका हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं यहाँ से डॉटेड, उसके बाद दूसरा ये जो इसका फेस है इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, और हमने ये बड़ा मैं स्केल ले रहा हूँ यहाँ से, और हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं यहाँ से, ये हमारा है इस तरह से, ये हमारी आएगी डार्क लाइन यहां तक, उसके बाद ये प्रोजेक्शन है ये भी हमारी आएगी डार्क लाइन इस तरह से। हमने ये लाइनें भी अंदर और बाहर को थोड़ी बढ़ा देनी है, इधर भी मैं इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पे भी
इस तरह से। अब हमने लेना है इसके प्रोजेक्शन इधर निचली साइड को, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा, ये प्रोजेक्शन आ जाएगा पहले हमारा इस तरह से, फिर हमारा आना है ये प्रोजेक्शन इस तरह से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इसका पोजीशन ले लेते हैं, बिल्कुल हमने आराम से कार्य करना है, हल्के से इस तरह से। ये हमारा पहला प्रोजेक्शन आ जाएगा, उसके बाद ये हमारा दूसरा प्रोजेक्शन आ जाएगा। ये हमारी जो लाइनें हैं वो डार्क आने थी, उसके बाद ये हमारी फट्टी लगी हुई है बीच में, पूरी है ऊपर तक है, इसके प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये हम देखें यहाँ पे हमने लिया प्रोजेक्शन, यहाँ पे भी। अब आप चाहो तो यहाँ पे नाप भी ले सकते हैं, यहाँ से 5 सेंटीमीटर से 5 इधर, नहीं तो आपने यदि आपका पास बड़ा सेट स्क्वायर है तो आप यहाँ से इस तरह से इसके पोजीशन ले सकते हैं। ये आपका सेंटर है, यहाँ से सेंटर से आपने आराम से जो है वो फुट्टा ऊपर को खिसकाना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये, और ये हमारा आना है डॉटेड यहाँ से, तो ये जो हमारी लाइन है वो पूरी डॉटेड आनी है। से ये यहाँ पे हमारा जो 1 सेंटीमीटर इससे पीछे आनी है, और यहाँ से नीचे ये आपका सेंटर है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर के बाद है, यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर है ये लाइन में लगा लेता हूँ यहाँ पे डॉटेड, इस तरह से। ये भी हमारी पूरी नहीं आएगी, 10 सेंटीमीटर पीछे तक आएगी, ये मैं आपको बताता हूँ कितनी आनी है। यहाँ से ये प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं, और यहां से ये जो हमारी लाइन है ये हमारी 10 सेंटीमीटर वाली इस तरह से, और ये हमारी है इस तरह से। अब हमने लेना है ये जो हमारा था हमारा ये 70 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से पीछे ले रखा है, ये प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे भी, क्योंकि इसकी ब्रेड्थ जो थी वो 70 सेंटीमीटर थी, और ये जो हमारा पाया था ये 60 सेंटीमीटर का था, यहाँ से यहाँ तक 60 था, ये 5 सेंटीमीटर हमने कम कर रखा था यहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये हमने यहाँ पे लाइन लगानी है इसके समानांतर, या फिर हमारे पास इसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, सीधा वहां से भी ले सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये है हमारा यहाँ आना है डॉटेड इस तरह से, नीचे भी यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से डॉटेड, यहाँ डॉटेड। अब जो हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन हमारी लगी है ये हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं,
तरह से आप देख सकते हैं, बड़ी आसान स्केल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इस तरह से। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो हमारे ये कट लगे हुए हैं ऊपर देख सकते हैं आप साइड में, इसके हमने लेने प्रोजेक्शन यहाँ पे। तो ये हमारा लाइन है इसके सीध में, या फिर ये जो हमारी लाइन है इसके सीध में, ये हमारी लाइन है, ये है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ प्रोजेक्शन ले लिया। और ये हमारा दूसरा कट है यहाँ पर, तो ये हमने ले लिया ये वाला प्रोजेक्शन। इसी तरह से यहाँ से हमने लेना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, और ये हमारा कट है ये वाला, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। मैं इसलिए साथ साथ साइड के और एलिवेशन के प्रोजेक्शन ले रहा हूँ ताकि आप लोग उलझे ना इसमें। यहाँ से हमने ये प्रोजेक्शन लिया था यहाँ पे इस तरह से, इसके बाद हमारा जो कट है वो यहाँ पे है, ये भी हमारे पूरा आना है इस तरह से, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर का ही है इस तरह से, 10/5 का है। और अगला हमारा है इस तरह से, यहाँ पे ये इस तरह से हमारा आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये और ये दो मुंह है ये, और यहाँ पे ये हम ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से जो देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे जो है ये वाले और ये वाले कट लग चुके हैं। तब इसमें हमारा जो बचता है वो ये हमारे कट लगे हुए और ये हमारे लगे हुए। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपका है थोड़ा चौड़ा है ये 15/4 का है, तो यहाँ से बिल्कुल हमने सीध में ये आपका आ गया, इसके बाद ये ऊपर वाला मुंह आ गया, ये हमारा ये वाला फेस आ गया था, ये हमारा आता है ये वाला प्रोजेक्शन यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से। अब आप ये आपने यहाँ पे ये बीच में लगाना है 4 सेंटीमीटर, ये जो है डॉटेड, तो हम यहाँ पे इसमें आइडिया से भी लगा रहे हैं, बाद में हम इसके ऊपर से प्रोजेक्शन ले लेंगे। और यहाँ पे भी इस तरह से बीच में डॉटेड लगा देंगे इस तरह से, और इसको मिला लेते हैं ऊपर वाले के साथ। ये एलिवेशन के हमारे प्रोजेक्शन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसी के हिसाब से हमने यहाँ से नीचे हमने ये डॉटेड लगाने हैं यहाँ तक, और इसमें हमारे आएंगे यहाँ तक, उसके बाद ये हमारा है यहाँ तक, और यहाँ से है यहाँ तक इस तरह से, यहाँ पे भी। यदि आप स्किप नहीं करें वीडियो को, आराम से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी और इस स्केल को बनाने में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से, और इस तरह से ये आप देख सकते हैं ये हमारे जो है वो डॉट आ चुके हैं ये वाले। अब हमने लेने ये ऊपर से, तो हमने क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये तो हमने ले लिया है ये वाला प्रोजेक्शन, ये वाले थे हमने लेने हैं यहाँ से, या सेंटर से शुरू करते हैं, यहाँ से ये हमारा सेंटर था, तो यहाँ से हमने पीछे को ऐसे। इससे क्या होगा कि आपको जब भी आप
प्रोजेक्शन लेंगे तो लाइन आपकी टेढ़ी नहीं रहेगी, इसलिए से हम एक बेस के साथ जुड़ते हैं इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम रोटरी ले सकते हैं इसके। अब हमने यहाँ पे भी हमने इसी तरह से करना है, उल्टे से ले लेते हैं। तो ये हमारा है बेसिक, क्या आप देख सकते हैं, और इससे पीछे को है ये, यहाँ से तो हमने फुट्टा बिल्कुल आराम से खिसकाना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसी के बीच में सिर्फ डॉटेड लगाना है, इसके बीच में इस तरह से, यहाँ से भी, ये आप देख सकते हैं ये हमारा सेंटर है, और इससे नीचे हमने आना है यहाँ तक, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये आपने बनाना है यहाँ पे और यहाँ पर इस तरह से, ये हमारे डॉटेड आने। इसके बाद अब इसमें बचती है ये फट्टी, ये जो हमारी है 15x4 सेंटीमीटर की है, इसके यहाँ डॉटेड आए हुए हैं, इसके हमने डॉटेड लेने हैं यहाँ पे। तो इसके हिसाब से हम इसके समानांतर यहाँ से सेंटर से, ये आप देख सकते हैं ये हमारा सेंटर है, या यहाँ से इधर को, या ये जो हमारी रेखा आ रही है इसके सीध में हमने यहाँ से इस तरह से यहाँ पे हम डॉटेड लगा देंगे इस तरह से, और अब ये सेंटर से दूसरी साइड को जाएगी लाइन इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, मतलब ये है 2 सेंटीमीटर इधर और 2 इधर, तो यहाँ से इसी तरह से हमने यहाँ पे हम सेंटर का सहारा लेंगे, यहाँ से ये हमारा सेंटर है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम ये हमारा, इससे हमें ये फायदा रहता है जैसे ये क्रॉस है, तो इसका मतलब ये इसके और इसके प्रोजेक्शन हमने अभी नहीं ले रखे, बाकी जिनके क्रॉस हो चुके हैं वो प्रोजेक्शन हमने ले लिए है। यहाँ भी हमारा क्रॉस बचता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन हमने ले लिए है इस तरह से। अब ये हमारा सेंट्री लाइन है, तो हम उलझेंगे बिल्कुल नीच से, ये हमारी सेंट्री लाइन है, यहाँ से हमने ये आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर है, ये 2 सेंटीमीटर दूरी है, और ये जो प्रोजेक्शन हमारे आ रहे हैं ये इन पायों तक बीच में है, तो यहाँ से हमने इसके बीच में ये हमने डॉटेड 2 सेंटीमीटर लेना है इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसी तरह से ये आपकी सेंटर की लाइन है, सेंटर से हमने 2 सेंटीमीटर इधर को भी हमारा है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ हमने इसके बीच में ये हमारी फट्टी है 15x4 सेंटीमीटर की, तो ये हमने इस तरह से इसमें डॉटेड लगानी, इस तरह से इसको आप देख सकते हैं, ऐसी ही फट्टी हमारी 15x4 सेंटीमीटर की लगनी इस तरह से। अब ये स्केल हम बन के हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसमें सिर्फ बचता हमारा फुट्टा है, 1.10 सेंटीमीटर इसमें फुट्टा हमने यूज किया है, ये आपने इसमें बनाना है, नहीं तो अभी तक हमारी जो स्केल बनी है वो है 24 नंबर की, और 2 नंबर का इसमें फुट्टा बचता है, तभी आपको 26 नंबर इसमें पूरे आएंगे, इसी तरह से आपने बनाना है। मेरा उद्देश्य जो आपको काम करवाने का वो यही है कि अगर आप घर में हैं तो आपका काम ना रुके, आपकी पढ़ाई ना रुके, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। यदि स्कूल लगे हुए तब तो आपके अध्यापक आपको पढ़ाई दे, यदि आपके स्कूल अभी नहीं लग रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो आपकी पढ़ाई ना रुके, ये मेरा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए अब जो ये स्केल है ये हमारी कंप्लीट हो गई है, मतलब ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का जितना भी सिलेबस हमारा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे का सिलेबस भी मैं इसमें रोज़ करवाता रहूँगा, इसमें पेंटिंग है, डिज़ाइन है, आपकी स्टिल लाइफ है, वो सब कार्य मैं इसमें करवाता रहूँगा। मेन आपका ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का था, वो सिलेबस अब हमारा कंप्लीट हो गया है, आपने भी इसको इसी तरह से घर में तसल्ली के साथ कार्य करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।